वालेकुम आप देख रहे हैं द किरण नाज शो नाजरीन आज हुई है एपीसी जो कि तमाम ऑपोजिशन जमातों की इतहाद के साथ ये एपीसी हुई है और इसका मकसद इसको करने का मकसद यह है कि पिछले दो सालों में जो तबाही और बर्बादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मचाई है महंगाई जो कहाँ से कहां पहुंचा दी है कर्जों में मुल्क को डुबा दिया है नौकरियां लोगों के पास है नहीं बुरे हाल में लोग रह रहे हैं तो ऐसी हुकूमत से लोगों की जान छुड़वाई जाए इस मकसद के तहत ये मकसद जो हमें दिखाया जा रहा है या जो आवाम को दिखाया जा रहा है इस मकसद के तहत आज मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे यू आई फे और दीगर जमातें इन्होंने मिलकर आज एक ए पी सी की है और इस ए पी सी में ये डिसाइड हो रहा है कि आखिर करना क्या है हुकूमत को टफ टाइम देना कैसे है हुकूमत को दबाव में लाना कैसे है हुकूमत को घर भेजना कैसे है तो बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे जहन में आ रहे थे सबसे पहले नवाज शरीफ साहब वो नवाज शरीफ साहब जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है प्लेटलेट्स उनके आज तक नॉर्मल नहीं हो पाए हैं दिल का अर्जा उनको लायक है जिगर का अर्जा उनको लायक है गुर्दे उनके खराब हैं तबीयत उनकी बहुत ज्यादा खराब है बहरहाल लब्बे लुबाब ये कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ नहीं सकते जिन मुकदमात का उनको सामना है या जहां पर उनको सजाए हो चुके हैं उसका वो सामना नहीं कर सकते फिलहाल जब तक उनका इलाज चल रहा है लेकिन आज इस एपीसी में उन्होंने खिताब भी किया हुकूमत के हवाले से भी बात की और पाकिस्तान के तमाम इदारों को उन्होंने खूब रगड़ के रखा नैप के हवाले से भी उनकी जानब से बात की गई तो मेरा सवाल नवाज शरीफ साहब से यह है कि जब आप सियासत के तमाम मामला पर नजर रख सकते हैं जब आप सजेशन दे सकते हैं जब आप इस ए पी सी का हिस्सा हो सकते हैं तो फिर आप वापस आके क्योंकि आप आ, एक बकौल आपके और बकौल आपकी जमात के बकौल आपके कारकुनान के आप एक बेहतरीन लीडर हैं आप एक सच्चे इंसान हैं आपने हमेशा मुल्क की बका के लिए मुल्क की हिफाजत के लिए और आ, मुल्क को अच्छी डगर पे ले जाने के लिए काम किया है तो फिर आप एक और रवायत क्यों नहीं कायम करते आप वापस आकर अपने मुकदमा का सामना क्यों नहीं करते फिर जो दूसरी चीज थी के बात ये की जा रही है कि हुकूमत ने जितना बेड़ा गर्क कर दिया है या मलिया मेट कर दिया है तमाम पॉलिसीज का तमाम चीजों का तो उसके खिलाफ बेसिकली ये एपीसी हुई है और उसी के खिलाफ फिर ये आगे लाए अमल बढ़ेगा लेकिन महसूस ऐसा होता है कि नवाज शरीफ साहब की जो गुफ्तु थी वहां पर कहीं पर मुझे अवाम के हवाले से तो बात नहीं लगी जब उन्होंने नैब का तस्करा किया तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जो कुछ उनके साथ हुआ है जितने मुकदमा में वो सामने आए हैं या जितने मुकदमात में उनको सजाएं हुई हैं एक उस बात का गम जिस पर वो बात कर रहे थे अब सवाल ये उठता है कि क्या इस ए के जरिए पंजाब में तब्दीली लाई जाएगी वजीर आजम इमरान खान साहब को हटाया जाएगा आ या फिर इस्तीफे दिए जाएंगे अब जब बात आ जाती है इस्तीफों की तो मौलाना फजल रहमान साहब मौलाना फजल रहमान साहब वो शख्सियत के इससे पहले जो एपीसी हुई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ किस तरह से हाथ हो गया कि जब बात आगे निकलने की हुई बाहर निकलने की हुई तो फिर उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब वो शख्सियत थे कि जिनको अकेले छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक साइड पर हो गए थे कि कहीं पर उनके कॉन्फ्लिक्स आ रहे थे कहीं पर मौलाना फजल रहमान साहब के जो मुतालबाते थे या जो तजावीज थी वो ये दोनों बड़ी जमातें स्पेशली मैं बार बार कह रही हूं कि ये दो बड़ी जमातें उस चीज को मानने से कतरा रही थी फिर अब अगर मैं थर्ड टाइम सेकेंड टाइम इस बात को दोबारा देखती हूं जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हालात इस तरह के हैं या असेंबली ऐसी है या क्योंकि ये नाजायज गवर्नमेंट है तो इनके साथ एक दिन भी नहीं बैठा जा सकता एक लम्हे के लिए भी नहीं बैठा जा सकता था तो क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब खुद तो है नहीं असेंबली का हिस्सा लेकिन वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर असेंबलियों से इस्तीफा दे दे जो असेंबली यहां पर सिंध में मौजूद है जिसके हुक्मरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो चाहते हैं कि इस असेंबली को फौरी तौर पर तहलील कर दिया जाए तो अब सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या मुस्लिम लीग नून जो एक तरीके से अपोजिशन में रहते हुए असेंबली में रहते हुए वो तमाम इकदार के और एक अपोजिशन पार्टी के वो मजे तो लूट ही रही है तो क्या अपोजिशन स्पेशली मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली से इस्तीफा देने में इस चीज की तरफ जाएगी ये रास्ते अख्तियार करेगी और फिर दूसरी तरफ अगर मैं पीपल्स पार्टी को देखती हूँ तो पीपल्स पार्टी वो जमात की जब अगर गवर्नर राज की यहाँ पर बात हो जाए अगर सिंध के मामला देखते हुए वजीर आजम कोई बड़ा फैसला लेने की कोशिश करें या सिर्फ और सिर्फ एक बात ही कर ली जाए एन एफ सी अवार्ड के हवाले से भी कोई बात हो जाए तो फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो और दीगर लोग ये बात करते हैं कि जी अगर अट्ठारहवीं तरमीम पर हमला किया गया तो मुल्क दुश्मनी होगी है मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे बुला 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 बहुत सारी बातें बिलावल भुट्टो की जानब से और पीपल्स पार्टी की जानब से की जाती है यानी कि अगर इकतदार पर बात आती है सिंध हुकूमत पर बात आती है तो फौरी तौर पर एहतजाज आता है पीपल्स पार्टी की जानब से तो वो पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब के इस तजवीज पर या फिर इस मुताबे पर कैसे अमल कर सकती है तो फिर क्या मैं ये समझूं कि ये एपीसी जो आज तमाम ग्यारह जमातें मिलकर बैठी और इन्होंने हुकूमत के लिए कोशिश की कि जी कोशिश क्या बल्कि एक मीटिंग की कि आगे हुकूमत के लिए हुकूमत को दबाव में कैसे लाना है या फिर हुकूमत को गिराना है कैसे उसके लिए एक लाल बनाने की कोशिश की तो फिर ये एक बार फिर क्या डिस्प्यूट का शिकार हो रही है और फिर क्या कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी इस एपीसी का ऐसा चेहरा क्लियर होकर सामने आएगा कि जिससे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक दबाव डालने के टेक्टिक्स को अपनाया जाएगा या फिर एक आम तासुर यह है के पीपल्स पार्टी और नून लीग चाहती है कि हुकूमत के साथ एक समझौता किया जाए एक महिदा किया जाए तो क्या आज की ये जो एपीसी थी ये तमाम लोग जो साथ मिलकर बैठे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के साथ एक माह करने के लिए है या फिर वाकई इस ए पी सी का दूसरा चेहरा हमें आज आ, की ए पी सी होने के बाद दिखाई देगा कुछ नया होने जा रहा है या फिर माजी की माजी करीब की बहुत ही करीब की पिछले बारह तेरह चौदह महीनों पहले की कोई वही तस्वीर दोबारा घूम कर आएगी इंतजार रहेगा कि इस एपीसी से क्या हुकूमत को कोई नुकसान होने वाला है या फिर ऑपोजिशन जिस जहां पर थी वहीं पर ही रहेगी क्योंकि अगर इस बार इस एपीसी से कुछ नहीं हुआ तो अपोजिशन को यह याद रखना पड़ेगा कि अगले तीन साल भी फिर आप इसी तरह से गुजारेंगे जैसे मजीद आपने दो साल गुजारे हैं क्योंकि अब अगर आपकी एपीसी से कुछ नहीं निकलता तो अवाम के जहनों में ये चीज तो तकवियत पा जाएगी ये चीज तो तकवियत पकड़ लेगी कि अब इन तिलों में तेल नहीं है